हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट सिलेक्टेड आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ, प्रीवियस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों बाय मिस्टेक से एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, उसके बाद हमने क्वेश्चन 25 तक किए थे, देन हम क्वेश्चन 26 स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हो रही है बारिश, ठीक है, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ी सी आवाज़ है, ज़्यादा नहीं है बारिश की, आप इतना तो बियर कर सकते हो ना, ठीक है, इतनी आवाज़ तो आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है जी, तो बात करते हैं अपने काम की, हमारा मेन फोकस हमारे काम पे होना चाहिए, साइड में कुछ भी चलता रहे उन सब चीज़ों को क्या करो, ब्लर कर दो। ठीक है, ए सक्सेस, एक तुझ पे फोकस करके मैंने सारी दुनिया को ब्लर कर दिया एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मैट्रिसेस ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि जो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके सभी डायगोनल्स जीरो होते हैं, ये आपको शो करके दिखाना है। ठीक है जी, तो करते हैं बात इसकी, शो करते हैं इसको, एलिमेंट्स ऑन द स्क्यू सिमेट्रिक मेन डायगोनल, किसके, स्क्यू सिमेट्रिक के। ठीक है जी, we know that skew symmetric matrix is क्या होती है, a का ट्रांसपोज करने पे हमारे पास क्या है, माइनस एक एक वाला जाए। ठीक है जी, तो फोर skew symmetric matrix, तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होता है, अगर हम अब एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट हमारे पास ए आई जी इज इक्वल टू माइनस के ए जी आई फॉर ऑल आई कोमा जे बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्या, ए आई जी एलिमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है ए जी आई का, मतलब क्या, ट्रांसपोज कर दो उस एलिमेंट का और नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है जी, ये होता है, बट हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डायगनल एलिमेंट्स की, तो डायगनल एलिमेंट्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप से होते हैं, मतलब क्या, जो आई पोजीशन पे एलिमेंट लिखा जाता है वही जे पोजीशन पे लिखा जाता है। ठीक है जी, मतलब क्या है, जो हमारे पास ये होता है नंबर आई पे वही नंबर सेम जे पे होता है। ठीक है जी, तो फोर डायगनल, फोर मेन डायगनल, ठीक है जी, क्योंकि डायगनल भी टू होते हैं यहाँ पे, एक मेन डायगनल होता है एक बैकवर्ड डायगनल होता है। ठीक है, तो मेन डायगनल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे, मेन डायगनल पे ये कंडीशन होती है, तो देयर फोर यहाँ पुट करो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस के ए आई आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, इसको एक साइड ले आओ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये टू आई आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, फिर ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, यहां से क्या सो गया कि जो डायगनल के एलिमेंट हैं वे क्या होते हैं, सभी के सभी जीरो होते हैं फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है जी, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ए के लिए, देयर फोर एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ठीक है जी, तो एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जब मैंने चेक किया वीडियो अपलोड करते टाइम तो मुझे देखा, मैंने वहां पे देखा कि ये क्वेश्चन 22 दो उसके अंदर लिखा ही नहीं गया। ठीक है जी, तो वहां पे डायरेक्ट क्या लिखा गया था, 21, उसके बाद आपसे बात करते करते 22 मिस हो गया और 23 लिखा गया, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन 26 हमारे पास, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन, शो दैट
सो दैट ए बी इज हर्मिशियन. कब होगा हर्मिशियन? इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए. ठीक है जी, ये हमारे पास. तो करते हैं इसको प्रूव. गिवन क्या हमारे पास? ए एंड बी आर हर्मिशियन. ठीक है जी, हर्मिशियन है. दैट इज ए थीटा इज इक्वल टू ए के इक्वल है कोमा बी की पावर थीटा, वो हमारे पास क्या बी के इक्वल है जी. ठीक है जी, ओके. ठीक है, ए थीटा ए, बी थीटा बी के इक्वल है. अब हमें क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है? ठीक है जी, गिवन क्या है? देखो ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन है, तो इसमें एक हमारे पास डायरेक्ट पार्ट होता है, एक हमारे पास कन्वर्स पार्ट होता है. ठीक है जी, या आप ये कह सकते हो कि एक सफिशिएंट होता है एक नेसेसरी होता है. ठीक है जी, इस टाइप से बोल सकते हो. बट देखो यहाँ पे क्या, ए बी इज हर्मिशियन है, तो ये प्रूव करो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारे पास आ जाए. ठीक है जी, टू प्रूव में क्या आएगा? गिवन इफ, या इफ लिख देते हैं यहां पे. ठीक है, इफ ए बी इज हर्मिशियन देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है जी, ए बी हर्मिशियन है तो हम लेके चलेंगे, हर्मिशियन है ए बी, तो इसका मतलब ए बी का थीटा करने पे हमारे पास क्या आएगा? ए बी के इक्वल आ जाएगा. हाँ जी, ठीक है, ओके. अब यहां से ए बी का थीटा हमारे पास क्या ओपन होता है? बी थीटा इंटू ए थीटा, ये हमारे पास ए बी के इक्वल है. ठीक है जी, और बी थीटा की वैल्यू क्या है? बी के इक्वल. ए थीटा की वैल्यू ए के इक्वल, ये हमारे पास ए बी के इक्वल आ गया. ठीक है जी, एक पार्ट हमारे पास क्या हो गया? प्रूव हो गया. ठीक है जी, तो देयर फोर इफ ए बी इज हर्मिशियन देन ए बी इज इक्वल टू बी ए. ठीक है, या लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव लिख दीजिए, ये भी मत लिखिए आप, हैंस प्रूव लिख दीजिए या कुछ भी मत लिखिए. फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया. अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज कन्वर्स पार्ट. ठीक है जी, कन्वर्स पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है? अब की बार लेके ये चलेंगे और प्रूव ये करेंगे कि ए बी हर्मिशियन आ जाए. ठीक है जी, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, देन हमारे पास ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी. ठीक है जी, ये हमारे पास है, यहां पर लिख देते हैं टू प्रूव. ठीक है, टू प्रूव हमें ये करना है. ओके, ये हमें प्रूव करना है कि ए बी का थीटा ए बी के इक्वल आ जाए. ठीक है जी, और ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए. ठीक है, ओके. तो अब हम क्या करें यहां से, इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको भी हम सेम ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया. हम ये लेके चले थे, हमने ये प्रूव कर दिया. अब हम प्रूव ये करेंगे ए बी का थीटा हमारे पास ए बी के इक्वल आ जाए, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड उठा ले. ठीक है जी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी. तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? बी थीटा. ए थीटा के इक्वल होता है, और बी थीटा की वैल्यू बी है, ए थीटा की वैल्यू ए है, और बी ए किसके इक्वल है जी? ए बी के इक्वल है. हमने गिवन का यूज कर लिया. ठीक है जी, तो यहां से क्या आ गया? ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए के इक्वल आ गया. ठीक है जी, तो लास्ट में आप लिख देना, हैंस इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन देन ए बी इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए. ठीक है जी, अब लिखना चाहो लिख सकते हो. हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब जल्दी से नोट कीजिए, मुझे लगता है बारिश बंद हो गई है, तो मैं देखता हूँ ट्राई करके हमारा मौसम कुछ थोड़ा सा अच्छा बन जाए, तो मतलब क्या थोड़ी सी लाइट अच्छी हो जाए तो. ठीक है जी, जल्दी से कीजिए नोट इसे एक बार.
हमारा काम अब चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास कुछ इस प्रकार से, इफ ए इज यूनिटरी, इफ ए इज यूनिटरी एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है जी, यूनिटरी एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन सो दैट ए इज इनवोल्यूटरी, दैट इज हमारे पास इनवोल्यूटरी क्या होता है, ए का स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आ जाए, आई मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। ओके करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, ए यूनिटरी मैट्रिक्स है एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है प्यारे बच्चों, कि ए इंटू ए थीटा करने पे हमारे पास आंसर क्या आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो लिखते हैं कंडीशन के अंदर ही, सिंस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए का थीटा करो या ए का थीटा इंटू ए करो, ये हमारे पास क्या है, आई के इक्वल आ जाए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, ओके। एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स भी है, ठीक है जी, हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि जो ए का थीटा है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, क्या हम इस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हैं, हाँ जी, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू ए, यहां से पुट कर लो चाहे, ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, दैट इज ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई। हमें यही तो प्रूव करना था कि हमारे पास ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई आ जाए, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, दैट इज ए इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। फिर क्वेश्चन 28 हमारे पास, डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल, डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है जी, कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, ठीक है जी, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, इफ ए आई जे इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन ओवर रियल्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ कब कहेंगे, अगर हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये हमारे पास क्या आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, ठीक है जी, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। ऑर्थोगोनल में ट्रांसपोज होता है, और जो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, थीटा, ठीक है, ओके, इतना काम हो गया, ठीक है जी। नाउ
अब हमारे पास इसको मान लेते इक्वेशन नंबर वन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन इट इज क्लियर दैट, यहां से क्या क्लियर है, देखो आपको याद हो कुछ, ए इन टू बी इज इक्वल टू आई होता था, तो उस केस में हम क्या कहते थे कि ए इज इन्वर्टिबल एंड बी इज द इनवर्स। तो सेम यहां पे हम कह सकते हैं ना कि ए ट्रांसपोज हमारे पास ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। ए का ट्रांसपोज ए के इनवर्स के इक्वल आ गया है, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, ठीक है जी। दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर, तो ये मैट्रिक्स क्या होती है, हमेशा नॉन सिंगुलर होती है, ठीक है जी। इतना काम हो गया, अब बात करती है तो हुई हमारे पास डेफिनेशन। इन्होंने कहा एक एग्जाम्पल भी दीजिए, ठीक है जी, एग्जाम्पल भी कंसिडर करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं 0 1 1 0, ये मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है जी। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है जी, नॉन जीरो है, ठीक है। ये मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हम इसको ऑर्थोगोनल कहेंगे, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, यहां से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, ठीक है जी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो, ये हमारे पास आ गया वापिस से ही मैट्रिक्स आ गई। अब करते हैं मल्टीप्लाई, नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज 0 1 1 0 0 1 1 0, दोनों सेम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा, वन आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम वन आएगा, और ये किसके इक्वल है जी, आई के इक्वल है आल्सो। अब ए ट्रांसपोज इस साइड लिखो, ए को इस साइड लिखो, तो 0 1 1 0 किसी साइड लिख लो जी, वैल्यू क्या नहीं है, सेम आएगी 1 0 0 1, ये भी क्या आ गया, आई के इक्वल, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ए मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी, क्लियर है बात, ओके। जल्दी से नोट कर लो इसे, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 29 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रूव दैट एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, 29 ही है ना, ठीक है जी, प्रूव दैट एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये मैं प्रूव करना है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है, ठीक है जी। तो बाय डेफिनेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज क्या होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये हमारे पास क्या है, आई के इक्वल आ जाए, ठीक है जी, ओके। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद हमें क्या करना है, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर की बात है, इट मींस यहां पे हम क्या चेक करते हैं, डिटरमिनेंट चेक करते हैं, तो टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, तो आप इनमें से कोई एक ले सकते हो, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, ठीक है जी, आपकी चॉइस है। तो ए इंटू ए डैश का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, ठीक है। अब यहां से हमारे पास एक डिटरमिनेंट ए डैश डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट होता है वन के इक्वल, ठीक है जी, लिख देते हैं, बिकॉज ए बी का डिटरमिनेंट हमारे पास होता है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, एंड डिटरमिनेंट ऑफ आई हमारे पास क्या होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है जी, ये हमारे पास है, ओके। अब यहां से हमें निकालनी है, लीजिए क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइड में लिख देते हैं। देखो मैंने आपको ये कल प्रूव करके भी दिखाया था, आपको एग्जांपल से बताया था,
कि जो डिटरमिनेंट है ए का निकालो या ए ट्रांसपोज का निकालो, आंसर सेम आता है, ठीक है जी। तो उस प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया। अब ये लिख दिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो डिटरमिनेंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस 1 के इक्वल आ गया। प्लस माइनस 1 क्या मतलब, नॉन जीरो एलिमेंट है, हाँ जी। तो देयरफॉर एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन की, व्हाट इज इट्स रैंक। तो इसकी रैंक बतानी हमें, बता सकते हो इसकी रैंक। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्या है, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अभी हमने क्या प्रूव किया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर है इट मींस उसका डिटरमिनेंट कभी जीरो तो होगा नहीं, जीरो नहीं होगा तो उसकी रैंक क्या होगी, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतनी रैंक होगी। उतनी रैंक होगी तो हमारे पास मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है जी, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। We know that every orthogonal matrix is non-singular. Therefore, rank of A is n. n order की matrix है तो rank n हो जाएगी, तीन order की matrix होगी तो rank 3 हो जाएगी, ठीक है जी। हो गया क्वेश्चन ये complete। इसके बाद next question, question 31। Prove that transpose of an unitary matrix is unitary. यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी क्या होता है, यूनिटरी होता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमने किया था अभी, चलिए कोई नहीं देख लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन यूनिटरी मैट्रिक्स इज ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए, हमारे पास क्या है, आई के इक्वल आई। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का, ओके। बात किसकी करनी है हमें, ट्रांसपोज की। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो ए थीटा इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं हम। हमने एक कंडीशन उठा ली यहां से, दूसरे ने उठा लो तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। और हमें पता है कि जो ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स ऑर्डर में उत्पन्न होता है, ए थीटा का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और आई का ट्रांसपोज क्या होता है जी, आई के इक्वल होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड ट्रांसपोज ऑफ आई मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, आई के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या शो करना है कि ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, मतलब इस थीटा को डैश को अंदर कर लो, थीटा को बाहर डैश को अंदर, तभी हमारे पास ए डैश का थीटा हो गया इनटू ए डैश हो गया इज इक्वल टू आई, ठीक है जी। तो देयरफॉर ए डैश इज यूनिटरी मैट्रिक्स,
ठीक है जी। यहाँ से क्या हो गया कि ए डैश हमारे पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, जो इस ब्रैकेट के अंदर है वो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है जी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्लस माइनस वन। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, ठीक है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन हमने कौन सा किया था, ये क्वेश्चन था हमारे पास, प्रूव दैट एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। उसके अंदर हमने प्रूव किया था, डिटरमिनेंट उसके इक्वल आया था। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, जो मैंने अभी किया था, सेम आपको वो लिखना है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 32 के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 लिखना है एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना, कहीं पर भी सेम लिख देना, ओके। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, प्रूव दैट इनवर्स प्रूव दैट इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है जी। ये हमारे पास है, इसको प्रूव करना है। क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास क्या आता है जी, ऑर्थोगोनल आता है। इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है जी। तो बाय डेफिनेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज क्या होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई के इक्वल, इक्वेशन वन हो गई, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनवर्स अप्लाई करना है। टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज ए इसका इनवर्स इज इक्वल टू आई का इनवर्स। तो यहां से करेंगे तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए का इनवर्स, ए का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, आई का इनवर्स होता है जी आई के इक्वल, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज जो ए बी का इनवर्स होता है वो हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, ठीक है जी, ओके। तो अब हमारे पास, हमें दिखाना है कि इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो अब क्या करो, इस इनवर्स को अंदर ले आओ। तो ए का इनवर्स इंटू ए डैश ए इनवर्स, सेम यहाँ से ए इनवर्स का डैश इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि बिकॉज ए का ट्रांसपोज करो उसका इनवर्स करो, या इनवर्स का ट्रांसपोज करो, दोनों बातें सेम होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ से क्या हुआ, देयरफॉर ए इनवर्स इज कैसी मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, बारिश फिर से आ गई है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है जी, फिर स्टॉप करते हैं, क्योंकि फिर बारिश में आवाज भी आएगी, आप फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, डिफाइन रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, ठीक है जी, कि रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की। कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के हमारे पास दो तीन डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो एक डेफिनेशन तो हमारे पास है,
इफ हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज नॉन जीरो। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हमारे पास मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, उसका क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। बट जो रैंक होती है वो तो हम किसी मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं, एम बाई एन की निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ एम बाई एन। ठीक है, ओके। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन इज नॉन जीरो। जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होता है हमारे पास मैट्रिक्स का, वो हमारे पास कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इसकी रैंक कहलाएगी। ठीक है जी, ओके, इतनी बात क्लियर है। ओके, अगर हम इसके दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो और करके, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। ठीक है जी, एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास है। ओके, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर आर सच दैट इफ, फर्स्ट केस हमारे पास इफ क्या होना चाहिए बोलो? रैंक मैंने आपको पढ़ा रखी है। देखो, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ऑर्डर एम बाई एन है, एक आर नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, आर कैसा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है जी, सच दैट इफ आर कैसा होना चाहिए? आर कैसा होना चाहिए? आर इज नॉन जीरो। ठीक है जी, क्या होना चाहिए? आर इज नॉन जीरो। इंटीजर आर सच दैट इफ ए इज एम बाई एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ऑफ एम बाई एन, देन देयर एग्जिस्ट नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर आर सच दैट इफ इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो, या फिर आप इसकी जगह पर कह सकते हो कि माइनर ऑफ ऑर्डर आर। डिटरमिनेंट की जगह पर लिख देता हूँ माइनर। ठीक है जी, वो अच्छा रहेगा वर्ड, माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। माइनर हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट, इफ माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज एग्जिस्ट इफ एनी इट इज जीरो। अगर उससे बड़ा कोई माइनर एग्जिस्ट करता है तो माइनर कैसा होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, क्या है? एक इफ हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन इज नॉन जीरो। हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या होना चाहिए जी? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है जी, और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या? सेम चीज है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर की है, देन एक नंबर एग्जिस्ट करेगा आर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सच दैट कि माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। ठीक है जी, आर ऑर्डर का जो माइनर है वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे उसकी रैंक कितनी है? आर है। ठीक है, और माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इफ एग्जिस्ट इज एग्जिस्ट इफ एनी या इज एग्जिस्ट, माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इफ एग्जिस्ट इट इज जीरो। ठीक है जी, एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, ये हुई हमारे पास रैंक की डेफिनेशन, और इट इज डिनोटेड बाय किस सिंबल से? रैंक ऑफ ए, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ये हुई हमारे पास रैंक की डेफिनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 19 माइनस 31 42 60। ये मैट्रिक्स हमारे पास 2x4 ऑर्डर की है, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स की हाईएस्ट रैंक कितनी हो सकती है? हाईएस्ट रैंक इसकी 2 हो सकती है, ठीक है जी। हमारे पास निकालने के दो मेथड है, ठीक है। यहाँ पे कौन से, एक तो हम इसके माइनर चेक कर लें, या फिर इस पर हम क्या लगाएं, रो एक्लोन फॉर्म, ठीक है जी। क्या लगाएं? रो एक्लोन फॉर्म, ओके। तो इसको हम चेक किससे करें? चेक करते इसका माइनर, माइनर ऑफ मैट्रिक्स 19 माइनस 31 42 60। और क्या बनेंगे इसके माइनर हमारे पास? ये माइनर बन जाएंगे हमारे पास 1 माइनस 3 91 कोमा माइनस 31 42 कोमा 42 60, ठीक है जी। और भी हमारे पास कितने बन जाएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा, मैंने ये लिख दिया, ठीक है जी। इसके माइनर हम कई बना सकते हैं। अब हमारे पास इसको चेक करते हैं, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है जी, 1 1 जा 1, और ये हमारे पास 1 + 27 दैट इज 28, ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो, ठीक है जी। तो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, माइनर ऑफ ऑर्डर किस ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, इज नॉन जीरो। देयरफॉर रैंक इज 2, ठीक है जी। आप यहाँ पे सभी माइनर्स लिख लेना, 19 की फिर 12, 42 के साथ 19 की फिर 60 के साथ, फिर माइनस 31 की 60 के साथ, 42 की 60 के साथ, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है जी। एक तो मेथड हमारे पास ये हो गया, ओके। एक दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा है, कौन सा मेथड दूसरा, रो एक्लोन फॉर्म, ठीक है। चलिए उससे भी निकालते हैं, ये आपने नोट कर लिया, जल्दी से नोट कीजिए, दूसरे मेथड से भी निकालते हैं। आपको जो पसंद आए उससे कर लेना, ठीक है जी। ए हमारे पास, लेट ए हमारे पास, इसको ए नाम दिया हमने, 19 माइनस 31 42 60, ठीक है जी, बाई रो एक्लोन फॉर्म। रो एक्लोन फॉर्म है तो क्या करो, आर टू माइनस के 9 आर वन कर दो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आर वन तो एच डीज 1 - 3 - 4 - 6, इसका नोट 9 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो, 0, इसका 9 टाइम सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से 9 टाइम कितना हो जाए, 27, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27, 28, 9 टाइम 36, 2 में से 36 माइनस करेंगे हम, कितना आएगा, -34, 9 टाइम 54, तो माइनस के 54, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टू नॉन जीरो रोज, देयरफॉर रैंक ऑफ ए दैट इज रैंक ए इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो रो कितनी है, 2 रो, 2 है हमारे पास, ठीक है। ये कंप्लीट जीरो नहीं है, ये भी कंप्लीट जीरो नहीं है, तो हमारे पास रैंक क्या आ जाएगी इसकी, 2 आ जाएगी, ठीक है जी। अगर रो के अंदर एक भी सिंगल एलिमेंट भी मैसा मिल गया जो नॉन जीरो है, तो वो उसकी रो में काउंट होगा, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, और फिर आज विराम देते हैं इसको, क्योंकि बारिश का मौसम, बारिश चल रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा ना, बिजली कड़क रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास है 200030004, ये मैट्रिक्स हमारे पास है जी। इसकी रैंक बता दो आप, क्या होगी इसकी रैंक, इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, रैंक कितनी इसकी, नॉन जीरो कितनी है, 3, इन गिवन मैट्रिक्स नॉन जीरो रोज आर 3, देयरफॉर रैंक ऑफ
गिवन मैट्रिक्स इज 3, तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देख लो, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो रैंक कितनी होगी इसकी, 3 हो गई। ठीक है जी, तो आज के क्वेश्चंस को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।